लेकिन पद लेने के अनुसार वो काम करना नहीं जानते। सिर्फ पद की कोई गरिमा नहीं होती है, इंसान के कर्तव्य और कार्य की कोई गरिमा होती है। आज तो क्या हो रहा है, पद में बैठे हैं मैं सभी भाई जो मेरे सभा से आए हैं, मैं उनका सभी का नाम तो जानता नहीं हूं, सभी का स्वागत है। तो आजकल तो सिर्फ केवल और केवल ये हो रहा है कि काम जो कर रहा है उसको इग्नोर किया जा रहा है और जो काम नहीं कर रहा। क्या नाम है आपका? परमाल सिंह भाटी। और किस मुद्दों को लेकर बैठे हैं यहाँ पर? मैं 23 गामन का कोषा अध्यक्ष भी हूँ और समिति में यहाँ जो बैठते हैं उनका भी अध्यक्ष हूँ। और पांचवा दिन हो गया हमारी यहाँ बैठक चल रही है, रात की भी और दिन की भी, और इतने हम उठेंगे नहीं, चाहे हमें यहाँ 6 महीना जो उठना पड़े ऐसे ही लौटे रहेंगे हम यहाँ। हमारी दो ही मांग है, समान मुआवजा और एक व्यक्ति को नौकरी घर घर से मिलनी चाहिए जिनकी जमीन गई है। तहसील अध्यक्ष दादरी भारतीय किसान अम्बालता से, हमारा पिछले 5 दिन से धरना अनिश्चितकालीन दिन और रात का जारी है, जिसमें हमारी जो मांगे हैं वो समान मुआवजा और रोजगार की 28 साल से जो लड़ाई चली आ रही है यही हमारी मांगे हैं, जिसमें हमारे परमार भाटी जी ये बताएंगे। हमारी जो ये राजकुमार जी कह रहे हैं यही हमारी मांग है, पूरी करेंगे हम यहाँ से। ये सुरेश प्रधान जी तहसील संयोजक, यही हमारी दो मांगे हैं, एक परिवार को नौकरी और समान मुआवजा दिया जाए। गोपाल शर्मा जी जो रात को रुके हुए हैं। हाँ जी, 24 घंटे धरने पर बैठा हूँ, 5 दिन से धरना चालू है और दो मांगे हैं, समान मुआवजा और वंचित परिवार से एक योग्यता के आधार पर नौकरी। जय जवान, जय किसान, जय जवान, भारत माता की जय। क्या नाम है आपका? गोपाल शर्मा जी। किस मुद्दे को लेकर बैठे यहाँ पे? मैं किसान उत्थान सेवा समिति से अध्यक्ष गोपाल शर्मा बोल रहा हूँ और मुद्दा हमारा क्या नाम, समान मुआवजा और वंचित परिवार से एक योग्यता के आधार पर नौकरी, दो मुद्दे हैं हमारे। दोनों मुद्दे 30 वर्षों से हम बराबर इसमें चलते आ रहे हैं, वार्ताएँ हो रही हैं, मीटिंगें चल रही हैं, निष्फल होती चली जा रही हैं, कोई ध्यान नहीं दे रहा। और इसमें अभी 3 साल पीछे से, 3 साल पहले से बराबर प्रशासन से लगातार मीटिंगें चल रही हैं, मीटिंग प्रशासन ने सुनी है, दो दो तीन तीन ADM बैठे हुए हैं मीटिंग में, सब ने सुनी है और मीटिंग में ये लोग मंजूरी दे देते हैं, मान जाते हैं, लेकिन मीटिंग के समाप्त होते ही नकार देते हैं। इस तरह समय बीतता जा रहा है और स्थिति यहाँ तक आ गई है कि आज हम अनिश्चितकालीन धरना देने पर मजबूर हो गए हैं और ये धरना तभी समाप्त होगा जब हमारा समाधान हो जाएगा, उससे पहले नहीं, चाहे भले ही परिणाम कुछ भी हो। जय किसान, जय किसान, जय जवान, किसान एकता, किसान एकता, भारत माता की जय, भारत माता की जय। हमारे चाचा जी अभी करतार जी बोल रहे थे, इसमें थोड़ा रोक दिया था, वो आए अपने विचार रखे। हमारे किसान भाइयों का बड़ा सौभाग्य है कि हमारे क्षेत्र के बहुत ही परमा जुजारू और बहुत ही पढ़े लिखे समझदार और समान जो बैठे हैं उनकी तरफ से मैं सभी पुण्य दिन गहराइयों से भाइयों के जो आए हैं उनका सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ।
पैनलों तक अच्छे अच्छे के